हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा में निकली हुई नई वैकेंसीज़ के बारे में। वैकेंसीज़ की अगर यहाँ पे बात की जाए, काफ़ी वैकेंसीज़ यहाँ पे निकली हुई हैं जिनमें काफ़ी अच्छी सैलरी जो है आपको दी जाएगी। बात करें राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा की, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बात करें यहाँ पर इन वैकेंसीज़ की, एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं। सीनियर कंसल्टेंट की है एक वैकेंसी, 75,000 पर मंथ इसमें सैलरी रहेगी। एज लिमिट रखी गई है 64 इयर्स की। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास आयुर्वेदा की। एक्सपीरियंस जो है आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 से 10 साल का, तो ये रिक्वायरमेंट रहेगी इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है कंसल्टेंट एडीए भी, 4 वैकेंसीज़ हैं। 50,000 पर मंथ सैलरी, 64 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा में। साथ ही साथ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस जो है इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट है कंसल्टेंट आईटी की एक वैकेंसी, 50,000 पर मंथ सैलरी, 64 साल एज लिमिट रखी गई है। बीई बीटेक एमसीए और इक्विवेलेंट डिग्री, मिनिमम 5 साल जो है पोस्ट ग्रेजुएशन सॉरी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है आपका यहाँ पर मांगा गया है। सो यहाँ पे बीई बीटेक या फिर एमसीए क्या होना चाहिए और क्वालिफिकेशन के बाद 5 साल का आपका एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, ये यहाँ पे इसके लिए रिक्वायरमेंट रखी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे कंसल्टेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसीज़, 50,000 पर मंथ इसमें सैलरी रहेगी। 64 साल की एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, जैसे कि लॉ, कॉमर्स एट्सेट्रा, इनमें से किसी एक में, और 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। फिर अगर आप एक जो है रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं एटलीस्ट फ्रॉम द स्केल ऑफ लेवल 10, तो आप भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस यहां पे काउंट किया जाएगा। चाहे आप रिटायर्ड हैं या फिर नॉर्मल सिविलियन जो हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कंसल्टेंट अकाउंट्स की 2 वैकेंसीज, 50,000 पर मंथ इसमें सैलरी रहेगी। 64 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। बीकॉम ग्रेजुएट डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर रिटायर्ड पर्सनल हैं लेवल 10 से, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म इन वैकेंसीज़ के लिए भर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट टू एडिटर की एक वैकेंसी, 50,000 पर मंथ सैलरी होगी। 28 से 40 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए आयुर्वेदा में। नेक्स्ट वैकेंसी है प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की 3 वैकेंसीज, 50,000 पर मंथ इसमें सैलरी होगी। 28 से 40 साल इसमें एज लिमिट आपकी मांगी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए आयुर्वेदा में। नेक्स्ट वैकेंसी है यंग प्रोफेशनल आयुर्वेदा की 2 वैकेंसीज, 40,000 पर मंथ इसमें सैलरी होगी। 32 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है और ग्रेजुएशन की डिग्री आपने की होनी चाहिए आयुर्वेदा में। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है, बाय पोस्ट या बाय हैंड भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से जाके, जो कि है rab.delhi.nic.in। साथ ही साथ आपको अपने जो हैं सेल्फ अटेस्टेड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो हैं वो भेजने होंगे। एड्रेस रहेगा द डायरेक्टर, राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ, धनवंतरी भवन, रोड नंबर 66, पंजाबी बाग वेस्ट, न्यू दिल्ली 110026। और लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 20 जुलाई 2024 की। तो ये था गाइस इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।